तमिलनाडु में आज एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मामला तंजावुर जिले का बताया जा रहा है। यहाँ रथ जुलूस के दौरान ये हादसा हुआ है। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य को शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब लोग मंदिर की पालकी पर खड़े थे। पालकी काली मेड़ू के अपर मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की पालकी को मोड़ने के समय ओवर हेडलाइन के संपर्क में आने के कारण ये भीषण हादसा हुआ। अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, साथ ही गंभीर रूप से झुलसे 3 लोगों को इलाज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तिरुचापल्ली के मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक वी बालाकृष्ण ने हादसे को लेकर कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।